हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग भी अपनी फ़ोटो में थ्री टोन्स में से 2 मिनट में कोई भी इफेक्ट डालना चाहते हैं बिल्कुल सिंपल और आसान ट्रिक में, तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखें और चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस तरह की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाइट रूम ऐप के अंदर पहले हम फोटो को इम्पोर्ट कर लेते हैं। पहले फोटो को इसको हम मूडी टोन में एडिट करेंगे। पहला फोटो हम मूडी टोन में एडिट करेंगे, फिर लाइट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इसमें पहले हम लाइटिंग को एडजस्ट कर लेंगे, कंट्रास्ट, हाईलाइट, तब कंट्रास्ट को इंक्रीज करेंगे, हाईलाइट को 100% माइनस कर देना है और शैडो को थोड़ा इंक्रीज कर देंगे, ब्लस को थोड़ा माइनस कर देंगे ताकि फोटो थोड़ा डार्क हो जाए। फिर आएंगे कलर वाले ऑप्शन पर, आएंगे यहाँ पे सेकंड वाले स्किन वाले कलर पर, और इसमें ल्यूमिनस को जो है हम पहले थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं ताकि फोटो जो है फेस हमारा थोड़ा लाइट हो जाए। फिर आएंगे ग्रीन वाले पर, फिर थोड़ा प्लस करेंगे और सैचुरेशन को फुल प्लस कर देना है, और फिर येलो वाले पे आना है, सैचुरेशन फुल प्लस कर देना है और हुई को थोड़ा माइनस कर देना है ताकि फोटो थोड़ा ऑरेंज टोन में हो जाए। फिर यहाँ से डन करने के बाद आएंगे लाइट वाले ऑप्शन पर और कर्व टूल का यूज़ करेंगे। फिर इसमें देखिए पहले हम दो डॉट बना लेते हैं कुछ इस तरह से। बनाने के बाद यहाँ पर जो पहले वाला पॉइंट है सबसे नीचे वाला, उसको हम थोड़ा ऊपर करेंगे ताकि फ़ोटो में थोड़ा फेड आ जाए, इससे हमारी फ़ोटो थोड़ी मूडी लुक में लगने लगेगी। ऊपर वाला कर्व टूल थोड़ा नीचे कर देंगे, देखिए डन कर देना। देखिए फोटो हमारी बन चुकी है, देखिए हमारी मूडी टोन में फ़ोटो बन चुकी है। अब हम सेकंड टोन का यूज करेंगे, सेकंड फ़ोटो एडिट करेंगे। चलिए वीडियो को देखते रहिए। इसको हम थोड़ा ऑरेंज और डार्क ब्लैक टोन में एडिट करेंगे। तो देख लीजिए लाइटिंग को एडजस्ट कर लेते हैं, शैडो को फुल इंक्रीज कर देना है और कंट्रास्ट को भी थोड़ा इंक्रीज कर देना है, वाइट को थोड़ा इंक्रीज करेंगे, ब्लैक को ऐसे ही रहने देना है। आएंगे कलर वाले ऑप्शन पर, यहाँ से ऑटो कर देना है। फिर सिंपल यहाँ से हमको आना है मिक्स वाले ऑप्शन पर और येलो वाले कलर का सैचुरेशन जो है ह्यू जो है पूरा माइनस कर देना है और सैचुरेशन को एडजस्ट कर लेते हैं कुछ इस तरह से, इंक्रीज कर लेना है सैचुरेशन को और ल्यूमिनस को थोड़ा माइनस कर देना है। फिर सेकेंड वाले कलर पर आना, स्किन वाले पर ल्यूमिनस को थोड़ा इंक्रीज और सैचुरेशन को थोड़ा कम कर देंगे और सभी कलर का सैचुरेशन जो है वो सब 100% माइनस कर देना है आपको। फिर सिंपल यहाँ से कर देना है डन करने के बाद, डन कर देना है। फिर हमको यहाँ से इफेक्ट वाले ऑप्शन पर आना है, क्लियरिटी को पहले थोड़ा इंक्रीज कर देंगे और नॉइस रिडक्शन को भी थोड़ा इंक्रीज कर देंगे ताकि, और कलर नॉइस रिडक्शन थोड़ा इंक्रीज कर देंगे ताकि फ़ोटो में जितने भी नॉइस है वो सब ख़त्म हो जाए। देखिए सेकंड टोन की फ़ोटो भी हमारी बन चुकी है। अब हम आएंगे थर्ड टोन में, तीसरे वाली फ़ोटो को भी सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको हम थोड़ा सियान टोन में एडिट करेंगे, टील ब्लू जो होता है। देखिए लाइटिंग को एडजस्ट कर लेना है आपको पहले, फिर उसके बाद टेम्परेचर को इसमें हम थोड़ा माइनस कर देंगे और टिंट को भी थोड़ा माइनस कर देना है, वाइब्रेंस को थोड़ा इंक्रीज करेंगे। फिर आएंगे मिक्स वाले कलर पर, सेकंड वाले कलर का जो है हम पहले इसमें ल्यूमिनस थोड़ा इंक्रीज कर देंगे और सभी कलर का सैचुरेशन जो है आपको माइनस कर देना है, सभी कलर का सैचुरेशन माइनस कर देना है और ये जो सियान वाला कलर है इसका सैचुरेशन थोड़ा प्लस कर देना है और ब्लू वाले कलर का भी सैचुरेशन प्लस कर देना है और सभी कलर का सैचुरेशन माइनस कर देना है। फिर सिंपल यहाँ से डन करने के बाद आएंगे डिटेल्स वाले ऑप्शन, पहले कलर ग्रेडिंग वाले ऑप्शन पर आएंगे। पहले वाले जो शैडो है उसको हम यहाँ पे ब्लू कर देंगे और ब्लेंडिंग को पूरा 100% इंक्रीज कर देंगे। थर्ड वाले हाईलाइट को येलो की तरफ रखेंगे और यहाँ पे करने के बाद ल्यूमिनस को थोड़ा माइनस करेंगे, वाइब्रेंस को थोड़ा इंक्रीज करेंगे, यहाँ से डन कर देना है। फिर आएंगे इफेक्ट वाले ऑप्शन पर और क्लियरिटी को थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे, विनियट को थोड़ा कम कर देना है, फिर फोटो को डन कर देना। देखिए फोटो हमारी बन चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।